मैंने लिए थे अरहम, और अपने इसके लिए मैं एक सूट लेके आया था, वो भी गिफ्ट था। तो ये मैं कोट लेने के लिए गया था, मेरी आंटी आई हुई है, मम्मी आई हुई है मीरा से मिलने के लिए। उनके लिए पिछली बार मैंने आपको दिखाया था जो हमारी अंदर वाशरूम वाला पानी है और जो नलके वाला पानी है ना खुरे वाला, वो जा रहा है हमारा दीवार के अंदर। माशाल्लाह जी, हमारा नाश्ता वो लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हैं जी हमारे पराठे, ये जो है ना अभी हमने पहले हम लेते थे घी, अब लेते हैं हम ऑयल जो होता है ना कुकिंग ऑयल, वो तो उससे हम वो हम लगाते हैं रोटियों को। और ये साथ आम भी हैं जो कल मैं लेके आया था ना, उसमें से बचे हुए थे, इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी, मैंने इनको जो है ना वो निकाल के रख दिया ऐसे ताकि ये कुछ सही हो जाए, इनकी जो बर्फ़ है ना वो घुल जाए ऊपर से। तो क्योंकि सारी रात हम फ्रिज चलाते हैं और सुबह जो है ना वो बंद कर देते हैं, सारा दिन बंद रहती है, फिर शाम को जो चलाते हैं, तो इसके ऊपर जो ना बर्फ़ जम गई थी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करने आप भी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है मदद करो जहाँ मेरे खुश रहे बात रहे इस तरह से बात रहे। हाँ जी, तो तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो ठीक ठाक हैं, मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता जो है वो कर रहे हैं, अगर आप सब ने हमारे साथ नाश्ता करना है तो आप भी आ सकते हैं और नाश्ता कर सकते हैं। हमारे पास है जी चाय और आम, आपने कर लिया नाश्ता समीना? हाँ मैंने कर लिया, बस चाय पी है। अच्छा, आपने करना नहीं है अभी हमारे साथ? मैंने चाय पी ली है अभी, थोड़ी देर बाद नाश्ता। अच्छा चलिए, आपका एक मैंगो भी बचा हुआ है। नहीं आप खा लो, एक अरहम को दे दो, एक आप खा लो। नहीं, तीन थे ना, दो हमने उठा लिए ना, एक मेरा एक अरहम का, एक आपका बचा हुआ है फ्रिज के अंदर, आपका जब दिल करे तो उठा लेना। ठीक है, वो भी बाथरूम में है, वो नाराज है, इसने पता नहीं उसको क्या कहा। नहीं, वो मुझे कह रहा था ना कि अभी मुझे आम उठा के दो, तो वो फिर मैंने उसको कहा कि ना रोटी से खाते हैं, रोटी के साथ काट के इसको, तो फिर वो फ्रिज के अंदर चला गया जो दूसरा एक बच्चा हुआ है ना वो उठाने के लिए। मैंने उसको कहा है, मैंने कहा ये दो तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा एक, एक तो इसमें आपका है, आप इसमें से एक उठा लो। वो जिद कर रहा है कि मैंने वही उठाना है जो अंदर पड़ा हुआ है तो इसलिए मैंने उसको मना किया कि मैंने कहा वो वैसे वेस्ट हो जाएगा, अगर आपने खाना है तो इसमें से खा लो, तो फिर वो इसलिए नाराज हो गया है बाथरूम में छुपा पड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है बाथरूम में। अब वो खाएगा भी नहीं, खाओ आप, वो जो यहाँ से रख देते वहाँ से उसको दे देते बस। हाँ, तो मैं बाद में यही सोच रहा था कि वहाँ से उसको कहता उठा ले और यहाँ से मैं दोबारा रख देता, लेकिन वो ना उसके ऊपर फ्रिज के अंदर ना बर्फ जमी हुई है फुल, वैसे उसने खाना भी नहीं था। अब ये देखें ना, अब नरम हो चुके हैं, तो मैंने कहा चले आप इसमें से निकाल लो, इसमें से खा लो। देखिए अभी भी बर्फ यहाँ पे खड़ी हुई है, ये चेक करें, ये देखें समझे ना, अभी भी इसके ऊपर ना बर्फ है, इसलिए मैं उसको कह रहा था कि ना आप इधर से उठा लो, उधर से ना उठाओ, वो आप नहीं खाओगे। हाँ जी, क्या लेके जा रहे हैं हम? किसको कहा है? इधर आओ ना, बात तो करो पूरी दिए हैं फिर। अच्छा क्या खाओगे, इधर आओ, क्या खाओगे? चाय। क्या खाओगे? अच्छा, 10 रुपए सारे हैं, 10 के बिस्कुट खाओ, 10 के और खाओगे, क्या खाओगे? 10 के 5-5 की चीज आएगी। हाँ अच्छा, जाओ जाओ वो जाओ, मम्मी खड़ी हुई है, जाओ। चला गया मेरे बटवे से उठा के दिए हैं आपने। चलो दरवाजा बंद कर दो, खुला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी हमारे पास जामे शीरी, ये कब की ली थी हमने भला? रमजान नहीं, रमजान से पहले भी ली, पहले की ली थी, ये खराब नहीं होती पड़ी है। हाँ तो ये भी बस खत्म हो गई है तकरीबन, एक बार बची हुई, एक बार की भी नहीं बची हुई। हाँ एक बार अरहम को बना के देंगे फिर ही खत्म हो जाएगी एक गिलास। तो हमारी जो है ना वो रिश्तेदार आई हुई है, उनको हमने कहा चले मीठा पानी पिलाते हैं।
ऊपर रख लो ना चार पैर के ऊपर। अच्छा के ऊपर हाँ मैं बैठ रहा हूँ ये पी के बना लो थोड़ा सा। फिर मैंने जाना है वहाँ मस्जिद में तो देखना है, और हमारी सीमेंट भी आ रही है आज, और ये आखिरी चक्कर होगा इंशाल्लाह, इसके बाद नहीं मंगवानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। हर बार ऐसे कहता हूँ लेकिन फिर ख़त्म हो जाती है। हाँ अभी बस वो प्लस्तर तो तकरीबन होने वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी फ़र्श का काम बचा हुआ है बस। फर्श के बाद तो मुकम्मल हो जाएगा ना, जो सीमेंट लगेगी हमारी फर्श के ऊपर लगेगी तकरीबन। तो जी ये देख सकते हैं आप, रक्षा हमारा आ चुका है सीमेंट का। तो ये जो चक्कर है ना, हाँ जी क्या हाल है बास भाई? 25 ठीक है, 25 बोरी आ गई है। 25 आता नहीं है, एक टन वजन उठाता है, 20 बोरी आनी चाहिए। यार हाँ, आप पूरी पूरी मस्जिद बनी है इसमें 25-25 बोरी ही आई है, कोई भी लेके आया 25 बोरी लेके आया है। यार अभी देखना तीन चार चक्कर, चलें जी अगर कोई जो है ना चलें आप ऐसे करें कि लस्सा हमारा उठा के, लस्सा भी हमारा आना है अभी, बकाया जो भी काम बचा हुआ है आप जो है ना फिर आपने पैसे नहीं लेने, इंशाल्लाह आपको टायर हम डलवा के देंगे और हुक्म करें ठीक है। फिर बाद में आप ऐसे ना कहना कि यार ये तो ज़्यादा हो गए हैं या ये है कुछ है। यार ये तो फिर गलत, देखे ना आप सारा दिन आप कमाएंगे, हम आपको नहीं रोकेंगे। अब अगर दिन में एक या दो चक्कर हमारे आगे वो भी आपको करने पड़ेंगे फ्री में फिर। चलो बेहतर है, कल से शुरू करो। आज इसने दो चक्कर मारे हैं वो उसके पैसे लेने के चक्करों में है। चलें जी अल्लाह पाक कराम करेगा इंशाल्लाह। तो ये जब वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इंसान जो है ना अपना फ़ायदा सोचता है ऐसे। चलें अल्लाह पाक कराम करेगा इंशाल्लाह। तो वैसे हम तो इसको पैसे सारे पैसे देते हैं ना, और आज जो है ना बाइक साइड हो गई है लेकिन उसके जो तेगे लगे हुए थे ना अलमारियों के वो बचे हुए हैं, और अब ये वाली साइड जो है ना ये प्लस्तर कर रहे हैं इंशाल्लाह। इस साइड में जो है ना वो धारें जो होती हैं, धारें नहीं हैं सिर्फ, बल्कि खिड़की की भी धारें नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी दीवार है, और जो ऊपर बनेरा है ना उस पर थोड़ी सी कटिंग है, धारें भी हैं वो इंशाल्लाह उसको धारें लगाएंगे, बाकी आपको पता है सीधी दीवार है वो जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसका जो फ्रंट है ना, फ्रंट भी इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे ना। जी बिल्कुल, हाँ जी इंशाल्लाह कल जो है वो फ्रंट भी शुरू हो जाएगा। तो फ्रंट पे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता है सारी जो है यहाँ पे धारें हैं, लाइनिंग है सारी इस पे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इनको तकरीबन मेरे ख्याल से 2 दिन लग जाएंगे इसके ऊपर, है ना? हाँ 2 दिन तकरीबन लग जाएंगे इसके ऊपर। अगर 2 बंदे होंगे तो फिर शायद वाली बात है कि 1 दिन लगे, अगर 1 बंदा होगा तो फिर 2 दिन पक्के लग जाएंगे इनको। चलें अल्लाह पाक जैसे राजी होगा वैसे ही होगा इंशाल्लाह। तो नलके का भी मैंने वो भाई को कह दिया था, नलका भी आज इंशाल्लाह वहाँ पे छाँव में जो है ना नलका लगवा देंगे किकर के साथ। तो वैसे किकर अगर काट भी देंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट का है, नहर के इहाते में है, तो हम अपने पौधे जो है ना वो लगाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ साथ साथ नहर के साथ भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे अपनी मस्जिद के। ये हमारी वैसे बैक साइड है तो इसकी बैक साइड पे जो है ना हम यहाँ पे लगाएंगे, और सड़क की वैसे फ्रंट हो जाएगा हमारा सड़क वाली साइड से अगर देखें तो यहाँ पे जो है ना हम अपने पौधे लगाएंगे अपनी तरतीब से लगाएंगे, कुछ इधर लगा देंगे कुछ जो है ना वो इधर भी लगा देंगे, दरमियान में जो है ना वो जगह बचा देंगे। एक किस्म की जो एक नया पौधा आया हुआ है उसको कहते हैं कोमा, तो उसके यहाँ पर हम लगा देंगे, वो बढ़ता भी जल्दी है और उसकी छाँव भी बहुत घनी घनी होती है, तो लाइन में वो लगा देंगे एक किस्म की दीवार बन जाएगी वो, इस तरफ भी लाइन में लगा देंगे वो भी एक किस्म की दीवार बन जाएगी हमारी। तो ये जो है ना अब्बास उतार रहा है जी सीमेंट, चलें जी माशाल्लाह। ये जो होते हैं ना ये होती हैं तेगे, अंदर वाली साइड पे अलमारी है ये वाली, इसकी बैक साइड भी बच गई थी कल क्योंकि यहाँ पे भी धारें हैं, देखें ये धारें हैं, ये भी धारें लगेंगी इसको, और यहाँ पे प्लस्तर होगा इसी तरह, ये मेहराब की उस साइड पे भी इसी तरह ही धारें हैं वो देखें जी।
वो लगी हुई हैं, ये भी लगेंगी। तो जो बरीकी का काम है ना वो छोड़ते जा रहे हैं, तो अब ये पता नहीं बाद में करेंगे मेरे ख्याल में। तो चलें, माशाल्लाह माहौल अभी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है, गर्मी तो पड़ रही है लेकिन परिंदे चहचहा रहे हैं। पहले शीशम के दरख्त जो थे ना वो नहर के साथ साथ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब देखें सूख गए हैं सारे दरख्त। अभी जो है ना ऊपर रख रहे हैं फट्टे, क्योंकि जो ऊपर वाली साइड है ना वो करनी है इन्होंने यहाँ पे खड़े होके, फिर ये उतारेंगे फट्टे नीचे और नीचे जो है ना रख कर फिर नीचे वाली जगह जो है ना वो करेंगे। वालेकुम सलाम, क्या ना मैं काम कर रहा था बाहर मस्जिद का। ये है जी पाइप पानी वाला जो होता है ना 4 इंच का, वो तो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था जो हमारी अंदर वाशरूम वाला पानी है और जो नलके वाला पानी है ना खुरे वाला वो जा रहा है हमारा दीवार के अंदर। तो ये मैंने पाइप बनाने का वैसे भाई को कहा हुआ था काफ़ी दिन पहले, लेकिन उसने लेट कर दिया। तो आज मैं उसके सर पे खड़ा और मैंने उसको कहा कि आप मुझे अभी बना कर दें पाइप और मैं लेके जाऊंगा। तो वो पाइप जो है ना वो लगाना है मैंने ये वाला इधर। तो ये जो है ना यहाँ पे मैंने दस्ती यहाँ ज्वाइन करवाए हैं, ऐसे आया है फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पे हम नीचे कुछ खड्डा खोदेंगे और जो ये हमारा प्लास्टिक वाला पाइप लगा हुआ है ना ये वाला, ये देखें ये पाइप लगा हुआ है। तो ये जो पाइप है ना इसके साथ हम जोड़ेंगे इस पाइप को और फिर लेके जाएंगे जी इधर, यहाँ तक जाएगा। तो ये जो है ना पानी जा रहा है नीचे ज़मीन के अंदर जा रहा है और दीवार को नुकसान दे रहा है। तो मैंने कहा कि चलें ये बनवाते हैं। तो ये आपको पता है इससे पानी जो है वो सीधा जाएगा इधर और ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा। तो अभी सांस चढ़ गई है, मेरी सांस फूल गई है और इधर साथ मैंने कपड़े भी पहले लिए हुए थे काफ़ी दिन पहले, अभी मैंने ना सिलाई करवाई थी तो अभी मैं लेके आया हूँ। तो अभी चलते हैं जी अंदर, लगता है मुझे कोई मेहमान वगैरह आए हुए हैं समीना से मिलने के लिए, अफसोस करने के लिए। तो अभी चलते हैं जी अंदर, देखते हैं कौन है। तो ये देखें अभी तक भी पानी जो है ना वो सूखा नहीं है, बिल्कुल गर्क किया हुआ है। और मैंने 2-3 बंदों को यहाँ पे खोता रेड़ा चलाते हैं बस्ती में, इनको मैंने कहा है कि आप यहाँ पे ना 15-20 रेड़े डाल दें। इन घर वालों को भी कहा है, मैंने कहा आधे पैसे आप दें आधे पैसे जो है वो मैं देता हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी डलवा देते हैं तो यहाँ से गुजरने का रास्ते में बन जाएगा। तो जो रेड़े वाले हैं ना वो नहीं आ रहे, तो ये मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया था, मेरी आंटी आई हुई है, मामी आई हुई हैं मीरा से मिलने के लिए उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी डाल रहे हैं हम बिस्किट। तो ये जो है ना इसका नाम क्या है, इलायची बिस्किट, स्पेशल इलायची। तो ये एक बिस्किट में से कितने निकले हैं, 3, 6, 7। पहले ये बिस्किट मिलता था 10 रुपये का और मेरे ख्याल में इसमें 10 ही बिस्किट हुआ करते थे, अब ये 25 रुपये का हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, 7 हो गए हैं। हैं देख लो फिर, गवर्नमेंट माशाल्लाह फ़ायदे कर रही है आवाम के। आप सब बहन भाइयों ने खाना है तो आप भी आ सकते हैं जी, साथ कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक भी आप पी सकते हैं। ये देखें मिरिंडा मैं लेके आया हूँ, ये जो है ना इसका गैस कम होता है और तीखी भी नहीं होती है ना। चलें जी अभी डालने लगे हैं जी कोल्ड ड्रिंक बोतल, सॉरी ये ग्लासों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी जो है ना मेरी मामी और मेरी जो भाभी है ना, मुझसे छोटा भाई है उसकी वाइफ और मेरी जो आंटी है ना मेरी अम्मी की छोटी सिस्टर, तो वो जो है ना आई हुई थी हमारे घर समीना को दुआ करने के लिए, समीना का हाल चाल पूछने के लिए। तो उनके लिए हमने बिस्किट वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाई थी। तो ये बाहर बैठ कर गप्पे शप्पे लगा रही थी,
तो जैसा कि आपको पता है जब मेहमान जाते हैं तो बकाया सामान जो बचता है वो घर वालों के लिए होता है, वो चांस होता है किसी के थोड़ी सी बचा के जाए, हम टेस्ट करेंगे। नहीं कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं पी, मैंने बिस्किट खाना है, कोल्ड ड्रिंक तो मैंने वैसे भी पी है। ये हम जब छोटे होते थे ना ऐसे करते थे, हम तो ऐसे करते थे ना, झांक रहे थे मेहमान ने ज्यादा तो नहीं खा लिया, प्लेट पूरी तो नहीं खा ली बिस्किट। अच्छा कहते थे तुम लोगों को ऐसी भूखी आदत है, देख गया फिर भी पीछे देख गया। वो ऐसे करते जब जाने वाले होते ना तब जाके ना देख आते थे, तो आप इसलिए देखते थे कि कहीं वापस ना आ जाए और हम शर्मिंदा हो जाए। चाय बिस्किट हम लोग जितनी गर्मियाँ हो ना उन्होंने कहना की चाय हमें दे दो, सही है। यहाँ पे ना क्योंकि गर्मी होती है, खुले एरिया होते हैं यहाँ पे ना ज़्यादा। हाँ तो मैंने भी चांस मारा है आज के बाद, जाए थोड़े से बिस्किट में खाऊंगा। हाँ जी ये तो है, हाँ अच्छी बात है। नहीं ये मैंने नहीं खाना, मैंने वैसे एक दो खाने हैं, बाकी भी रख दो हम के लिए, रख दो ये उठा लो। तो जी ये जो है ना मैंने कपड़े लिए हैं, लिए थे बाकी अभी तो सिल भी चुके हैं, तो ये जो है ना मैंने लिए थे अरहम, और अपने इसके लिए मैं एक सूट लेके आया था, वो भी गिफ्ट था जो अम्मी जान है ना यूके से, उनके उनकी तरफ से, तो वो भी दिखाना आज नहीं दिखाया था ना पिछली बार। हाँ वो भी कह रहे अपने में ही पड़े रहे दवाइयों में। हाँ वो भी कह रहे थे कि आपने मुझे दिखाना है कैसा है सूट। फिर वो अम्मी जान ने कहा था कि आपने दिखाना है, फिर हम बस मेडिसिन और टेंशन में। हाँ उनको भी नहीं हमने दिखाया ना। हाँ जी बहुत ही अरहम का कलर प्यारा लगेगा ना। हाँ मैंने इसलिए डार्क लिया है ना, अरहम डार्क कलर अच्छे लगते हैं। तो ये पेपर कॉटन है, बहुत ही सस्ता है और हैवी कॉटन, ये बिल्कुल बारीक होता है और ठंडा भी होता है कहते हैं, गर्मियों के मतलब गर्मियों के टाइप का है। तो ये इसकी शलवार है, शलवार थोड़ी सी मुझे ना यहाँ से खुली लग रही है यहाँ से ना। ठीक है ये कॉटन ऐसे होता है ना, अगर कॉटन को बारीक सियेंगे ना सिलाई करेंगे वो फट जल्दी जाता है फिर, इसलिए कॉटन को ना इसको छुपा के रख देना कि उसने देखा ना उसने कहना जल्दी से मुझे ये पहना दो। हाँ जी ऐसे तो कहना है उसने, रख देना क्योंकि हमने जाना है, मैंने अब्बू को मिलने जाना है। हाँ तक ना हम इंशाल्लाह तबीयत ठीक हो जाए फिर जाएंगे उधर। हाँ जी और वहाँ पे आपकी दवाई भी लेंगे इंशाल्लाह। इतने दिन हो गए अब्बू की तबीयत काफी खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल ले गए थे तो मैं ना गई नहीं थी, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ जी मैं सोच रही हूँ जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है ना फिर इंशाल्लाह हम ना जाएंगे उधर। हाँ जी और मेरा सूट ये जो है ना मेरा सूट है, मेरा सूट भी जो है ना गिफ्ट है। ये लेंथ बड़ी नहीं है इसकी, स्पमैश तो इसी के साइज की मैंने दी थी, जो कपड़े मैंने पहने हुए इसी तरह के, ये लंबाई इसकी बड़ी लग रही है मुझे इतनी बड़ी सारी। चलें जब पहनेंगे इसको देखेंगे कितना बड़ी है या नॉर्मल है। तो वैसे जो मैंने पहने हुए जिस तरह के कपड़े इसी तरह की मैंने नाप उसको दी हुई है, उसके पास ऑलरेडी नाप मेरी है पड़ी, उसी के ऊपर मैं कहता हूँ इसको आप सिलाई करने हैं, तो पता नहीं अब उसी के ऊपर है या ऊपर नीचे है। तो ये जो है ना सूट था जो समीना का गिफ्ट है हमारी अम्मी जान की तरफ से, ये देखें जी माशाल्लाह। चलो आप ये भी सिलवा लो ना फिर, बस अभी कुछ ना दिल नहीं कर रहा ना। नहीं अभी चलो कुछ दिन तक तबीयत सेट हो जाएगी, दिमाग भी कुछ फ्रेश हो जाएगा फिर। हाँ जी अल्लाह पाक करम करेगा। हाँ अभी बस ऐसे ही हम मैंने उस दिन अम्मी जी ने कहा था दिखाना है वो फिर हमने दिखाई नहीं था। हाँ जी चलो ये भी मैंने ईद के एक दिन बाद दिया था सिलाई करवाने के लिए, तो ये फिर आज मैं लेके आया हूँ, तो मैंने कहा चले कपड़ा साफ जरे पेपर काटन है, पेपर काटन ऐसे ही होता है, 1000 रुपये का सूट है, अब इतना महंगा थोड़ी है। अब पता नहीं ये कैसे होगा, इसको सही कर दो। अच्छा मैं इसको करता हूँ फोल्ड।